नमस्कार, वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश, उपराज्यपाल ने 14 नई बसों को राज्य परिवहन सेवा के बेड़े में किया शामिल। मुख्य सचिव द्वारा दक्षिण अंडमान जिला परिषद का नया लोगो लॉन्च और विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार राज्य परिवहन सेवा के बेड़े में 14 नई बसों को शामिल किया गया है। इस सिलसिले में आज फ्लैग पॉइंट पर आयोजित समारोह में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा एस सिल्वी, दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित थे। उपराज्यपाल के समारोह स्थल पहुंचने पर मुख्य सचिव ने उनका अभिवादन किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव केशव चंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए इन बसों को बेड़े में शामिल किया गया है। मोमेंटस ओकेशन दैट वी आर ऑगमेंटिंग द फ्लीट, आवर ट्रांसपोर्ट फ्लीट टुडे विद 14 न्यू बसेस। सर, इन दिस रिगार्ड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट अंडर योर लीडरशिप in every department we have taken certain initiatives and actually in a very short span of time we have been able to see the results. When I joined, then that time the problem of all the tourists facing in Havelock Island, now Swarajdeep, was almost rampant. Every day we used to receive 10-15 complaints, and under your direction, sir, we sent 5 e-buses to Swarajdeep. And after that, almost 11 months have passed, and since then we haven't heard any complaint. Now the life of all the tourists visiting these places have become very comfortable, and everybody is actually enjoying all the e-buses. Here, in 20 e-buses we have launched, and all these 20 buses are operating. Out of that, 5 have already gone to Swarajdeep. We are also planning to send buy new buses against the buses which are being condemned. The under your direction, sir, the idea is to make it absolutely carbon neutral and procure as many as e-buses as possible. में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने हरी झंडी दिखाकर 14 नई बसें द्वीपवासियों और पर्यटकों को समर्पित किया। किले है जिसमें प्रवासी पारंपरिक आवाजाही निकोबारी होड़ी के चित्र को दर्शाया गया है, जिससे यहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में प्राकृतिक सौंदर्य की धनी चिड़िया टापू बीच को दर्शाया गया है। 8वीं बस दोबारा काम द्वीप के लिए है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्रशासन से स्वदेश नगर में खराब हो रहे टीवी कुलम ब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर बदलने का अनुरोध किया है। आईआईटी गुवाहाटी के विशेषज्ञों द्वारा जंग और सुरक्षा चिंताओं के कारण टीवी कुलम ब्रिज को हाल ही में सभी नियमित यातायात और पैदल यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व को देखते हुए सांसद ने मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से बताया कि ब्रिज के बंद होने से स्थानीय निवासियों को काफी असुविधा हुई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव से नया बैली ब्रिज स्थापित कर प्रतिस्थापन प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद का नया लोगो आज लॉन्च किया गया। इस सिलसिले में जिला परिषद के सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर के अलावा परिषद के सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे। शुरुआत में परिषद की ओर से अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने मुख्य सचिव को शॉल और गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिवादन किया। अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने परिषद के लोगो लॉन्च किए जाने पर अपनी बात उपस्थिति के समक्ष रखी। यह लोगो एक दृश्य प्रतिदृश्य से कहीं अधिक है, यह एक शक्तिशाली प्रतीक है जो किसी संगठन के सार और पहचान को संप्रेषित करता है। यह एक ऐसा पल है जब हम अपने जिले और उसके निवासियों के कल्याण और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हमारे पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की स्थिति में सुधार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। जिला परिषद हमारे जिले के प्रशासन और विकास में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। यह प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र ने रिमोट बटन दबाकर दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नए लोगो को लॉन्च किया। उपस्थिति को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कहा कि दक्षिण अंडमान जिला परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है। जिला परिषद का कार्यक्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीबीएमसी जो दिखता है हमारे सामने में है यहाँ पे, इसलिए फोकस ज्यादा रहता है पीबीएमसी। लेकिन जिला परिषद जो ही आप निकलते हैं और गाँव में जाते हैं, वहाँ के भी सिटीजन्स का, वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उन सबों को डील करना बहुत जरूरी है। और चूंकि वो हमारे आंखों के सामने नहीं रहता है, हम डेली उधर से नहीं गुजरते हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता थोड़ी कम हो जाती है। और इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अक्सर वहाँ पे जाएं। लेकिन आज का जो लोगो जीवन ने बनाया है, इसने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से कम नहीं बनाया है, बहुत ही सुंदर लोगो बनाया है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें जो हमारी दिनचर्या है, हमारा प्रतिदिन का काम है और हमारा जो कार्य क्षेत्र है, इन सारे क्रियाकलापों का बड़ा बढ़िया समावेश है। जो सारी चीज घर है उसमें से रोड जाता है, एक कुआं है, एक कलवर्ट है और आगे एक महिला जा रही है जो शायद काम करने जा रही है। तो लोगों बहुत ही बढ़िया और सही चित्रण है। बाद में मुख्य सचिव ने जिला परिषद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में NH4 की खस्ता हाल और इससे लोगों को हो रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से आज पोर्टब्लेयर में पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी, गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली, पार्टी के नेता और पत्रकार मौजूद रहे। सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मध्योत्तर अंडमान जिले में NH4 की स्थिति खराब है और आने वाले महीनों में सड़कों को ठीक करने का काम किया जाएगा। हम सभी जानता है नॉर्थ मिडिल अंडमान में भी काफी रोड बना, ऐसा नहीं है कि एकदम ही रोड नहीं बना। हाँ, हम मानते हैं 12 टंग से लेके फॉरेस्ट का जो बाफर जोन एरिया कदमतला 15 नंबर का चेक पोस्ट का, वहां से हम 15 वो हिस्सा हम छोड़ देते हैं, बाकी 12 टंग से जो 54 किलोमीटर रंगत तक, ये जगह का रोड का स्थिति ठीक नहीं है, सभी को मालूम है। और जो निम्बू डेरा का 11 किलोमीटर, तो ये जो रोड है इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाएगा 1 महीना का अंदर में, और ये कैसा भी मार्च महीना का अंदर में हैंडओवर करेगा। 12 टंग से लेके जो रंगत तक जो पैचेस है, इसका 1 महीना का अंदर में ये काम जो कॉन्ट्रेक्टर को मिला था उसको कैंसिल किया जा रहा है और नया टेंडर किया जा रहा है। और ये भी उन्होंने वादा किया कि दिसंबर जनवरी में किसी भी हालत में वो काम शुरू करेंगे और लोग देखेंगे कि रोड बन रहा है। श्री विशाल जौली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की हर तकलीफ में और उनके दुख दर्द में हमेशा उनके साथ खड़ी है और जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इकाई है वो निरंतर उनकी सेवा में और उनके हर दुख दर्द में
हमेशा खड़ा हुआ है, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। हमारा सरकार ने एनएच के लिए हजारों करोड़ रुपया सैंक्शन किया, एनएच का काम को शुरू कराया। बहुत सुंदर रोड साउथ अंडमान में बना जिरकाटांग तक, गुड क्वालिटी काम हुआ। दोनों ब्रिज का काम भी शुरू हुआ था, बाराटांग का और कदमतला का। उत्तरा का ब्रिज एक लैंडमार्क अंडमान में खूबसूरत ब्रिज बनके आजाद हिंद फौज सेतु का नाम से अमित शाह जी आए थे, उन्होंने द्वीपवासियों को समर्पित किया, लोगों को समर्पित किया। लेकिन जो एनएच का काम मध्य उत्तरी अंडमान में हुआ, इसको लेकर हम सब भी बहुत दुखी हैं। जो क्वालिटी से काम किया गया उससे भी हम लोग खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार इकाई और हमारा केंद्र सरकार, हमारा पार्टी का हाईकमांड और नितिन जी जो राजमार्ग देखते हैं, एनएच देखते हैं, जिनका मंत्रालय है, निरंतर भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोग उनका साथ संपर्क में है, उनका साथ काम कर रहे हैं। और जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सशक्त नहीं है, महिला मजबूत नहीं है, वो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता, वो देश कभी सशक्त नहीं बन सकता। इस दिशा में महिला आरक्षण का फैसला करके भारत सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। पर्यटन विभाग 27 सितंबर को पर्यटन और हरित निवेश थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाएगा। इसके उपलक्ष्य में पर्यटन निदेशालय ने आज से 27 सितंबर तक पर्यटन हितधारकों, संबंधित विभागों और भारत पर्यटन के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाई है। कार्यक्रम की श्रृंखला में पहला आज बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुआ। यह टूर्नामेंट 24 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा माउंट मणिपुर के लिए ट्रैकिंग अभियान जैसी विशेष साहसिक यात्रा कल आयोजित की जाएगी। 10वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुली भाषण प्रतियोगिता और 25 सितंबर को एक कार्यशाला शामिल है। 23 सितंबर को कार्बाइन्स को समुद्र तट, राधानगर समुद्र तट, भरतपुर समुद्र तट, आमकुंज समुद्र तट, कालीपुर समुद्र तट और 25 सितंबर को वंडूर समुद्र तट और 26 सितंबर को मुंडा पहाड़ समुद्र तट पर समुद्र तट स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप पर पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य समारोह 27 सितंबर को शाम को डॉ बीआर अंबेडकर सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आयोजित किया जाएगा। समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाएगा। दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग की ओर से कई गतिविधियां आयोजित की गई है। इसी क्रम में कार्बाइन्स को तट पर आज तट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पर्यटन सचिव विनय भूषण मुख्य अतिथि थे। द्वीप समूह के कारोबारी मोहम्मद एच जेडवेट सम्माननीय अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। पर्यटन सचिव ने रिबन काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने सर्विस कर मैच को शुरू किया। हेड कॉल किया गया है, बात होती है इतने बड़े समारोह में। फिर से एक बार आएगा की सर्विस, येसु की अच्छी सर्विस, नेट को चूमती हुई गेंद आई है दूसरी कोर्ट पर, फिर से पास किया सेवा भारत के पास है गेंद और हल्के से पास किया। पैर का इस्तेमाल किया है टेकन के लिए और प्लेस करने का प्रयास। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के CCRAS के तहत पोर्टर में कार्यरत क्षेत्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 अक्टूबर तक कार्निकोबार के मूस, ककाना, स्मॉल लपाती और टीटॉप गांव में मुफ्त आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर और सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा।
क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के डॉक्टरों तथा अर्ध चिकित्सा कर्मियों की टीम द्वारा शिविर एवं सर्वेक्षण का संचालन किया जाएगा। उत्तर व मध्य अंडमान जिले की युवा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस ने स्वरक्षा प्रशिक्षण पहल शुरू की है। यह 10 दिवसीय कार्यक्रम स्कूल और कॉलेज के लड़कियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए तैयार किया गया है। 18 सितंबर को शुरू हुई स्वरक्षा पहल के पहले चरण में 3 स्कूलों को कवर करेगी, जिनमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगत, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकुलतला और जवाहर नवोदय विद्यालय पंचवटी रंगत शामिल है। अंडमान निकोबार प्रशासन के समामेलित आईटी कैडर में कंप्यूटर सहायक ग्रेड ए पद के लिए कौशल परीक्षा 30 सितंबर को पोर्टब्लेयर के पहाड़गांव स्थित डॉ बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में बैचों में निर्धारित की गई है। योग्य उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा में प्रवेश के लिए सीबीटी मोड के लिखित परीक्षा के समय जारी किया गया एडमिट कार्ड लाना होगा, जिस पर केंद्र की मुहर लगी हो और सीबीटी के लिए पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित हो। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार ईमेल के माध्यम से लिख सकते हैं। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में सभी प्रथम वर्ष के लिए नया सत्र सोमवार से शुरू होगा। नए विद्यार्थियों को कॉलेज के माहौल के अनुकूल ढालने और उन्हें आरामदायक महसूस कराने में मदद के लिए 25 और 26 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से विद्यार्थी इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे इंडक्शन कार्यक्रम में भाग लें। 27 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। कोलकाता में 36वीं नेशनल अंडर 7 ओपन एंड गर्ल्स चेस चैंपियनशिप शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में पूरे भारत से 350 से भी अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1 लड़की व 3 लड़के सहित 4 युवा शतरंज खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप की कुल राशि 5,00,000 रूपये है, जिसे प्रत्येक श्रेणी से शीर्ष 20 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। एमवी स्वराज द्वीप की कोलकाता यात्रा में बदलाव किया गया है। अब यह जहाज 3 अक्टूबर की जगह 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हेडो बंदरगाह से सीधे कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगा। जहाज 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कोलकाता से सीधे पोर्टब्लेयर लौटेगा। कोलकाता यात्रा के लिए एमवी स्वराज द्वीप के टिकट खरीद चुके यात्रियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा करने की सलाह दी गई है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने मायाबंदर से कोलकाता जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे 1 अक्टूबर को सवेरे 8 बजे पोर्टब्लेयर से एमवी स्वराज द्वीप की यात्रा का लाभ उठाएं। यात्रियों की सुविधा के लिए 30 सितंबर को दिन में 11 बजे मायाबंदर से एमवी सिंधु की लिंक यात्रा उपलब्ध रहेगी। यह जहाज रात्रि 9 बजे मायाबंदर से छूटेगा और 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे पोर्टब्लेयर लौटेगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्टब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्टब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्टब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्टब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्टब्लेयर के लिए होगी। सभी जनयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। उपराज्यपाल ने 14 नई बसों को राज्य परिवहन सेवा के बेड़े में किया शामिल। मुख्य सचिव द्वारा दक्षिण अंडमान जिला परिषद का नया लोगो लॉन्च।
और विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।